वक्फ विधेयक से जुड़ी संसदीय समिति की आज पहली बैठक हुई। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मौलाना अरशद मदनी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, पूरे देश में इस पे चर्चा है, तमाम आप लोगों ने एक पीसी बुलाई थी, क्या स्टैंड है आप लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? हम ये कह रहे हैं कि जो वक्फ के अंदर तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया तो हमारे हजारों करोड़ के बिल और कई कई सौ साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हजारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या पारदर्शिता, क्या चीज़ है ये क्या चीज़, क्या जरूरत है? हम इसके मुखालिफ हैं। जब इसलाह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इसलाह होती है। उसके बातचीत हुई आखिरी सवाल मौलाना। अरे भाई, चल रही है बातचीत।